दोस्तों आपके सामने हाजिर है आपका अपना दोस्त संजय भंडारी। कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो कब आती कब चली जाती पता नहीं चलता है, कुछ फिल्में ऐसी होती है जो आती है तो पता नहीं चलता है, लेकिन जब उसको मूवी देखते हैं लोग और जब उसके रिव्यू मार्केट में आने शुरू होते हैं तो मालूम पड़ता है कि फिल्म तो बहुत जानदार है। मैं ऐसी कुछ फिल्म की बात कर रहा हूं आज, सेक्शन 375। जब ये फिल्म थिएटर में लगी तो मुझे लगा शायद ये कोई अमेरिकन मूवी है, तो मैंने इसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर मैंने जब इसके रिव्यूज पढ़े कुछ और मुझे मालूम पड़ा कि ये फिल्म पिंक, मी टू या निर्भया केस या अभी जो करंट जो भी घटनाएं चल रही हैं उनसे काफी इंस्पायर्ड है, और फिर मैंने देखा कि इसमें अक्षय खन्ना है साथ में ऋचा चड्ढा जैसी टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं, तो इस फिल्म के प्रति मेरा एक्साइटमेंट बहुत बढ़ गया। तो आइए मैं रिव्यू करूंगा आज फिल्म सेक्शन 375 का। जब भी कभी रेप जैसी कोई घटना होती है समाज में तो अगर शिकायत लड़की की तरफ से हो तो मन में यह ख्याल आता है कि लड़की को डेफिनेटली लड़के ने शोषण किया उसका और गलती लड़के की है। इस फिल्म में सस्पेंस रखूंगा मैं क्योंकि मैं नॉर्मली फिल्म के रिव्यू में स्टोरी नहीं बताता हूं, तो कुछ ऐसी एक रेप स्टोरी है जिसमें कोर्ट केस है, लंबा कोर्ट रूम ड्रामा है और लड़के की तरफ से लड़की की तरफ से दोनों तरफ से वकील अपने मजबूत पक्ष रखते हैं और आपको सोचने पर मजबूर करते हैं कि किसकी गलती है। फिल्म की सबसे बड़ी खूबी है इसके ट्विस्ट एंड टर्न्स। फिल्म देख के आपको शुरू में लगता है कि शायद आपको फिल्म के बारे में आइडिया लग गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हर 10 मिनट में, 5-10 मिनट में एक ट्विस्ट एंड टर्न आता है और पलड़ा, जो पलड़ा बोलते हैं बैलेंस, कभी वो लड़की की तरफ हो जाता है कभी लड़के की तरफ हो जाता है, तो वो दिखाया इसमें। फिल्म की स्क्रिप्ट बहुत शानदार है आज के मौजूदा हालात को देखते हुए है। स्क्रीन प्ले इसका बहुत फास्ट है, फर्स्ट हाफ थोड़ा सा आपको लगता है स्लो, लेकिन सेकंड हाफ जो ग्रिप पकड़ता है तो आप थिएटर से उठ नहीं सकते, बाथरूम जाने की कोशिश नहीं करेंगे आप। परफॉर्मेंस की बात करें तो अक्षय खन्ना ने इस फिल्म में शानदार काम किया है। उनका जो मैनरिज्म है, चलने का ढंग, बोलने का ढंग, डायलॉग डिलीवरी बहुत ही शानदार है। मैं हमेशा बोलता हूं कि वो एक अंडररेटेड कलाकार हैं जिनको उनके टैलेंट के मुकाबले इतना काम मिलता नहीं है, लेकिन वो हकदार हैं हर साल में दो फिल्में करने के, और उन्हें करना चाहिए, अच्छे डायरेक्टर को उनको लेना चाहिए। ऋचा चड्ढा ने काम अच्छा किया है, कुछ कुछ सीन में अच्छी लगती हैं, कभी कभी ओवर एक्टिंग करती है, लेकिन काम अच्छा किया उन्होंने। और मीरा भाटिया इसमें जो रेप विक्टिम है उन्होंने भी काफी क्यूट लगती है और काम अच्छा किया है। अक्षय खन्ना इसमें लड़के के वकील हैं और ऋचा चड्ढा जो हैं वो लड़की के वकील हैं, और कोर्ट रूम ड्रामा में दोनों की जो कैटफाइट होती है, जो दोनों के आर्ग्यूमेंट होते हैं, वो बहुत ही देखने लायक है। जिन लोगों ने अमेजन प्राइम पे वेब सीरीज देखी है क्रिमिनल जस्टिस और जिन्हें वो पसंद आया है, वो इस फिल्म को देखना पसंद करेंगे क्योंकि ये उसका एक्सटेंडेड वर्षन है, या मैं बोलूंगा कि ये उसका फिल्मी वर्षन है, तो उन लोगों को डेफिनेटली इस फिल्म को देखने में बहुत मजा आएगा। और फिल्म का क्लाइमेक्स जो है बहुत जानदार है, और क्लाइमेक्स देखने के बाद आप थोड़ी देर के लिए शॉक हो जाओगे क्योंकि फिल्म में जो मैसेज दिया है वो है कि वकील लोगों के लिए लॉ इम्पोर्टेंट है कि जस्टिस इम्पोर्टेंट है, और इसमें बताया गया है कि मोस्टली वकीलों के लिए लॉ इम्पोर्टेंट है, अपने पर्सनल ईगो, अपनी पर्सनल जीत इम्पोर्टेंट है, और जस्टिस मिल पाया कि नहीं मिल पाया राइट आदमी को, या कोई गुनाहगार को सजा हो गई है, इससे उनको मतलब नहीं है, उनको अपनी जीत प्यारी है, तो ये फिल्म में दिखाया गया है। फिल्म के लिए मेरी रेटिंग है 3.5 out of 5। मैं इसको 4 दे सकता था, लेकिन फिल्म में मनोरंजन नहीं है, सॉन्ग्स नहीं है, रोमांस नहीं है, कुछ भी ज्यादा कुछ सिनेमेटोग्राफी भी नहीं है। फिल्म एक कोर्ट रूम ड्रामा पे है मेनली, और वो आपको अंत तक मजे रखती है। तो आपको इस तरह की फिल्में पसंद हैं जो जिसमें ग्रिपिंग अच्छी होती है, सस्पेंस होता है, जिसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं, तो आप ये फिल्म सिनेमा गृह में देखने जरूर जाएं। धन्यवाद।